तो गाइस फिर से इंडियन फुटबॉल में हीरो सुपर कप वापस आ चुका है। कब से हीरो सुपर कप शुरू होने वाला है, कौन कौन से टीम हीरो सुपर कप में होगी, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम ऑन देसी फुटबॉल वर्ल्ड। इफ यू आर एन इंडियन फुटबॉल फैन देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मैं आपके लिए डेली लाता हूँ इंडियन फुटबॉल न्यूज। हमारा इस मंथ का टारगेट 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। इंडियन फुटबॉल में हीरो सुपर कप की रीएंट्री हो चुकी है। लास्ट टाइम ये हुआ था 2019 में और ये भी होने वाला है 2023 में, मतलब पूरे 4 साल बाद हीरो सुपर कप फिर से होने वाला है। इस बार हीरो सुपर कप होगा केरला में और गाइस ये टूर्नामेंट होने वाला है 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। इस टूर्नामेंट में होगी टोटल 16 टीम और उनमें से 11 टीम होगी ISL की और 12 टीम होगी आई लीग की। रिसेंटली विनर राउंड ग्लास पंजाब। तो गाइज जो 4 स्पॉट है रिमेनिंग सुपर कप में, उन 4 स्पॉट्स के लिए क्वालिफायर राउंड खेले जाएंगे आई लीग के सेकंड पोजीशन से टीम से लेकर 10 पोजीशन के टीम में, और उनमें से जो भी 4 टीम क्वालिफाई करेगी वो 4 टीम को ग्रुप स्टेज के 4 स्पॉट में जगह दी जाएगी। तो भाई लोग सुपर कप जीतने का ये फायदा होगा कि जो भी टीम सुपर कप जीतेगी वो टीम खेलेगी एडिशनल प्ले ऑफ विथ गोकुलम केरला, बिकॉज गोकुलम केरला है 2021-22 की आई लीग विनर और प्लेस ऑफ ग्रुप स्टेज 2023-24 AFC कप। सुपर कप का सेमी फाइनल वो टीम खेलेगी जो भी टीम अपने अपने ग्रुप को टॉप करेगी। तो ग्रुप ए में है बेंगलुरु FC, केरला FC, राउंड ग्लास पंजाब और क्वालिफायर 1 की विनर। ग्रुप बी में है हैदराबाद FC, ओडिशा FC, ईस्ट बंगाल FC और क्वालिफायर 3 की विनर। ग्रुप सी में है ATK मोहन बगान, FC गोवा, जमशेदपुर FC और क्वालिफायर 2 के विनर। ग्रुप डी में है मुंबई सिटी FC, चेन्नई FC, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और क्वालिफायर 4 की विनर। तो ये थी आज की इंडियन फुटबॉल न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और ऐसे ही इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते रहे और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।